हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th का हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें हमारा तीसरा लेसन चल रहा है शब्द रचना उपसर्ग, है ना। आज हम उपसर्ग के बारे में देखेंगे। तो उसे हमारे तीसरे पार्ट का नाम क्या है हिंदी व्याकरण में, शब्द रचना उपसर्ग, है ना। अब उपसर्ग ये क्या है, इसकी परिभाषा आप देखेंगे और इसे लिखेंगे भी आप, है ना। मैं समझा देती हूँ और टाइम देती हूँ आपको लिखने का। ये परिभाषा और लिखना है हिंदी व्याकरण, आपको कॉपी में लिखना ही है ना। तो क्या है कि उपसर्ग वह शब्दांश वर्ण या वर्ण समूह है। उपसर्ग जो है वह बता रहा है कि वह शब्दांश वह वर्ण या वर्ण समूह है जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को विशिष्टता प्रदान करता है। मतलब वो किसी शब्द से जुड़कर, वो उपसर्ग का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो शब्द ऐसा है, वो वर्ण या समूह ऐसा है कि वो किसी शब्द से जुड़कर उस शब्द के अर्थ को विशिष्टता प्रदान करता है ना। इसके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में कुछ विशिष्टता या परिवर्तन आता है जिसका इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। मैंने बताया ना, उपसर्ग का कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के साथ जुड़कर जब वो अपने शब्द को बनाता है, यानी कुछ विशिष्टता उसमें परिवर्तन होता है, विशिष्टता उसमें बताता है, वो शब्द की शब्द एक अलग सा बन जाता है उसको जोड़कर, है ना। उपसर्ग वो होता है जो वर्ण या उपवर्ण समूह है वो कि जो शब्दों के साथ वो जुड़कर अपना एक नया शब्द बनाता है, जिससे वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। इसके भी उदाहरण है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये परिभाषा भी आप पहले उतारते जाएंगे, है ना। तो ये हमें उतारना जरूरी है, उपसर्ग, है ना, शब्द रचना उपसर्ग। इसे देखिए और उतारिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है ना कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, है ना। उपसर्ग का कोई मीनिंग ही नहीं, अपना उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन क्या होता है, वो शब्दों के साथ जुड़कर जब कोई नया शब्द तैयार करता है तो वो उपसर्ग वहां पर हमें काम आता है ना। तो जैसे यहाँ दिया है शब्द है बल, जैसे बल में इसमें अलग अलग उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। जैसे बल शब्द दिया है हमें, उसमें हमें उपसर्ग लगाना है और इसके साथ में हम नए नए शब्दों को बना सकते हैं। जैसे दिया है दुर्बल, है ना, र ये जो रफार वाला र है ना, आधा द हम कैसे लिखते हैं उसको, र में अलंग, है ना, दुर्बल, तो वो क्या बनेगा शब्द हमारा, दुर्बल, मतलब ब के ऊपर रफार है, दुर्बल। तो ऐसी बना निर प्लस बल, है ना, बल में हमने कौन सा उपसर्ग लगाया, निर, यहाँ पर हमने कौन सा लगाया, दुर्बल, तो शब्द बना दुर्बल। वैसे यहाँ पे निर प्लस बल मतलब निर्बल, शब्द क्या बना, निर्बल, तो निर क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। दूसरा है सबल, स प्लस बल, तो सबल का क्या होगा, सबल, है ना, स प्लस बल, मतलब स हमने स क्या हुआ, उपसर्ग हुआ।
और बल तो शब्द दिया ही हुआ था, तो वो हुआ सबल। उसके बाद सम बल, सम प्लस बल है ना, सम शब्द क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, तो वो क्या बनेगा, संबल। तो यहाँ जैसे हमने चार शब्द आपको बताए हैं उपसर्ग लगाकर। इसके बाद और बताती हूँ, इसी भी आप नोट करिए है ना। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, उसमें भी तीन प्रकार दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसे उतारिए, ठीक है। तो इसे उतार लिया आपने, तो यहाँ हमने देखा उपसर्ग है ना। अब उपसर्ग भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हैं। हिंदी में मुख्य रूप से तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है ना। तो तीन प्रकार के उपसर्गों का मेन जो मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं वो तीन प्रकार से करते हैं है ना। तो उसमें कौन कौन सा है, सबसे पहला है संस्कृत की उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले शब्दांश है ना। क्या कहना है, संस्कृत की उपसर्ग, जैसे संस्कृत शब्द के वो उसका भी उसके भी हम शब्दों का उपयोग करते हैं उपसर्ग की जगह है ना। तो संस्कृत के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले शब्दांश है ना। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के भी उपसर्ग सभी को मालूम है, हिंदी भाषा में हम हिंदी के उपसर्ग भी पढ़ाते हैं। उसके बाद विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग है ना, विदेशी भाषाओं से संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग। यहाँ हमने देखा कि हम तीन प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग करते हैं जो हमारे बोलचाल की भाषा में हम जिनका प्रयोग करते हैं है ना। तो यहाँ आप इसे देखिए और इसे भी आप नोट करिए, ओके। तो हमने शब्दों के तीन प्रकार, उपसर्ग के तीन प्रकार देखे, जिसमें हमने सबसे पहला देखा था संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा देखा था हिंदी के उपसर्ग, तीसरा देखा था विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपशब्द में जैसे अ शब्द है, अ संस्कृत में अ शब्द का बताया, तो उसमें उसका अर्थ है अभाव या निषेध है ना। अभाव और निषेध, निषेध मतलब जो नहीं माने है ना, अभाव यानी कमी, तो यहाँ पे उसे शब्द दिया है अज्ञान है ना। अज्ञान मतलब जिसको ज्ञान की कमी हो, अज्ञान अदृश्य, जो दृश्य नहीं है, जो दिख नहीं रहा है ना। फिर अनीति, जो नीति यानी अच्छा मानते हैं, और अनीति मतलब उसको बोलते अन्याय, न्याय के विरोध में जो है ना, जो जिसके साथ अन्याय होता है, न्याय नहीं, जिसके साथ न्याय नहीं हुआ वो क्या है, अन्याय। अनादर, जिसका आदर
नहीं हुआ, अनुपम जिसकी कोई उपमा ही नहीं, अनायास है ना अचानक से, अनर्थ जिसका कोई अर्थ ही नहीं आदि, ऐसे शब्द आते हैं है ना। फिर है अन शब्द, मेरे अन शब्द का भी अर्थ संस्कृत में क्या होता है, अन का शब्द अर्थ का अभाव और निषेध, ये दोनों का भी कोई है, अ भी कोई है और अन का भी अर्थ कोई है, लेकिन कैसे है जैसे यहाँ पे मानते हैं जैसे शब्द बनाए हमने कि अनावश्यक, यानी जो जिसकी अनावश्यक जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो अ शब्द क्या हुआ अनावश्यक, अन शब्द लगाना यहाँ पे, ये है उपसर्ग, कौन सा संस्कृत की उपसर्ग। फिर है अनेक, यानी एक नहीं अनेक, तो अन भी आया ना उसमें तो भी संस्कृत की, अनाशक्ति यानी अनाशक्ति अन शब्द आया। उसके बाद अनादि जो अनंत काल से, यानी जो हम जिसकी गिनती नहीं कर सकते, अनुचित जो उचित ना हो है ना, अन आया ना, ऐसे शब्द हैं जो अन शब्द से, अन शब्द क्या है संस्कृत के उपसर्ग है, यानी उपसर्ग है, अन क्या है उपसर्ग है, वो भी किसके संस्कृत के, और भी शब्द हुई है और भी क्या है उपसर्ग है, जिसे हमने लगाया अज्ञान, और शब्द क्या है उपसर्ग, अदृश्य, फिर अनिति, अन्याय, अनादर, अनुपम है ना। तो ये भी आपको उतारने हैं, ये जितना भी मैं आपको व्याकरण में जितना भी क्वेश्चन लिखवा रही हूँ या आपको समझा रही हूँ आपको अपनी कॉपी में उतारना होगा। ओके उतारिए, ये आप लोगों को जितना व्याकरण में मैं आपको बताते जा रही हूँ सारी आपके कॉपी में आपका होना चाहिए, और बहुत से लोगों ने इसमें भेजा नहीं था, मुझे होमवर्क भी नहीं भेजा, मैंने जितना दिया था वो भी आप करते रहिए, और जितना यहाँ पे बताते जा रही हूँ आपको करना ही होगा है ना। और फिर कॉपी चेकिंग के लिए आएगी तो फिर वो डबल से मैं आपको वर्क करवाऊँगी, नहीं तो फिर आपको उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो सबको ये उतारना कंपलसरी है। यहाँ हम तीसरा देखते हैं अप शब्द दिया है, अप को बुरा अनुचित के अर्थ में है ना, बुरा या अब जैसा अपयश, अपयश मतलब अप उपसर्ग है ना, यश यश मतलब हमें सफलता मिली लेकिन नहीं जो असफल रहा तो वो क्या है अपयश है ना। अप शब्द क्या हुआ यश के सामने, यश शब्द था उसके सामने हमने उपसर्ग लगाया अप है ना, ऐसे कई शब्द हैं अप शब्द, अपशकुन, अपमान, अपहरण है ना आदि। उसके बाद दिया है अव, अव शब्द से जो संस्कृत के उपसर्ग है अव उसका अर्थ क्या हुआ नीचे या अनुचित या बुरे अर्थ में है ना, या बुरा मान, जैसे अवगुण, अवगुण है ना, अव शब्द क्या गुण, क्या गुण क्या है जो शब्द दिया गया लेकिन उसमें हमने उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बन गया अवगुण, अव क्या हुआ उसका उपसर्ग हुआ। अवमानना है ना, मानना नहीं मानना, अवमानना, अव शब्द क्या है उपसर्ग, अवशेष वैसे अवरोध, ये शब्द आप दिए गए हैं, इसे भी आप उतारिए। एग्जाम्पल मैं बहुत कम कम लिखवा रही हूँ, बहुत ज्यादा ज्यादा है लेकिन कुछ कुछ लिखवा रही हूँ जो आपको जरूरत है उनके बारे में मैं बता रही हूँ। ओके तो इसे भी उतारिए। सभी लोग कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में आपको जितना होमवर्क दिया जा रहा है वो सारी चीज़ आपको उसमें कॉपी में करनी होगी, और वो चेकिंग भी होगी, आप ही आपने देखा था चेकिंग के लिए भेजा, बहुत से लोगों ने मुझे कॉपी नहीं दी
और वो कॉपी भेजेंगे, जितना वर्क उनका बचा हुआ है वो भी करके, और जो अभी मैं करवा रही हूँ वो भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो आपने ये उतार लिया होगा। तो हमने देखा, अब पांचवा शब्द है संस्कृत के उपसर्ग, देते हैं ना, उसमें मैं मिटा दी यहाँ पे। पांचवा है अति, अति मतलब बहुत याद है ना, उसमें फिर कैसा होगा, अति शब्द संस्कृत का उपसर्ग है, तो उसमें हम लिखेंगे, लिख सकते हैं, शब्द आता है अत्यधिक, है ना, अति शब्द का शब्द क्या बना, अत्यधिक, तो अति शब्द इसमें आया, अति प्लस अधिक, तो वो क्या हुआ, अत्यधिक, अत्यंत, है ना, अति, अति का शब्द क्या बना, अत्यंत, अतिक्रमण, अत्याचार आदि, ऐसे शब्दों के मतलब हम प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं मतलब है क्या, संस्कृत के उपसर्ग में। फिर है अधि, अधि में क्या होता है, श्रेष्ठ, अधि मतलब श्रेष्ठ, ऊंचे या अधिक, तो आप जैसे अधिपति, अधिपति है, यानी कहीं के राजा या कहीं के वो अधिपति है। अधिनियम, जो ऊपर के नीचे मतलब नियम बनाए गए हैं। अधिवक्ता, यानी बहुत श्रेष्ठ वक्ता है। अधिनायक आदि, है ना। फिर है अभि, अभि मतलब तरफ, सामने, समीप या ऊपर, ये शब्द का अर्थ है। अभि का अर्थ संस्कृत में अभि उपसर्ग है, लेकिन उसका अर्थ हम क्या लगा सकते हैं, उसमें अर्थ उसको बताया गया है, तरफ, सामने, समीप और ऊपर। फिर उसमें हम शब्द बना सकते हैं, अभिनेता, अभिमान, अभिशाप, अभियोग, अभिनंदन, है ना, आदि। इतने शब्द जो हैं वो क्या है, ये जितने अभी मैंने आपको बताए हैं ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। और भी शब्द हैं आगे और बताएंगे, इसे देखिए, लिख लीजिए। तो ये आपने लिख लिया होगा, ये हमने देखे संस्कृत के उपसर्ग, है ना, संस्कृत के उपसर्ग, जिसमें मैंने आपको सात प्रकार बताई, इसमें सात इसमें आपको लिखवाई है, आगे और भी है, हम उसमें और देखेंगे, जिसमें हमारा हिंदी का उपसर्ग भी है और विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग भी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, शब्द रचना उपसर्ग जो हमने देखा है। इसके बाद वाला हम, अभी ये लेसन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको, अभी हमको और करना है, इसके बाद में और लिखवाएंगे, जो आपको लिखना भी होगा और मैं यहाँ पे आपको समझा के भी जाऊंगी। ओके, तो आपने लिख लिया होगा, और लिखकर आपको कॉपी में लिखना ही है ना, लिखकर आपको रखना है कॉपी में, बाकी चेकिंग के लिए फिर आएगी ही कॉपी, तो हम चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।